में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिखों के सबसे पवित्र धर्म स्थलों में से एक ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर शुक्रवार को सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पत्थरबाजी की। भीड़ ने श्री ननकाना साहिब में रहने वाले सिखों के साथ मारपीट की और उनके घरों पर पत्थरबाजी भी की। वीडियो में कट्टरपंथी सिखों को ननकाना साहिब से जाने की धमकी दे रहे हैं। वहीं इस पवित्र शहर का नाम बदलकर गुलाम अली मुस्तफा रखने की धमकी दी गई है। भारत ने पाकिस्तान में गुरुद्वारा ननकाना साहिब में तोड़फोड़ की निंदा की है। पड़ोसी देश पाकिस्तान से वहां सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान में श्री गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान पवित्र ननकाना साहिब में सिखों के साथ हिंसा हुई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, भारत इस पवित्र स्थान पर तोड़फोड़ और बेअदबी की हरकतों की कड़ी निंदा करता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने भी चिंता जताई है। ननकाना साहिब से ध्यान हटाने और भारत को दुनिया में बदनाम करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक फेक न्यूज शेयर की है। इमरान खान ने बांग्लादेश में हिंसा का एक वीडियो डालकर उसे भारत का बताने का दावा किया है। सच्चाई सामने आने के बाद इमरान ने वीडियो डिलीट कर दी। वीडियो में पुलिस की यूनिफॉर्म देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि वो वीडियो बांग्लादेश का है, जो 2013 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कोटा में हो रही बच्चों की मौत के मामले में राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। जोधपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अशोक गहलोत को पहले कोटा में मर रहे बच्चों की चिंता करनी चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध बाद में करते रहिएगा। कोटा क्या बढ़कर 106 हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन कानून पर अपने फैसले से एक इंच भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को फिर से बहस की चुनौती दी है। अमित शाह ने राहुल पर तंज करते हुए कहा है कि अगर राहुल गांधी चाहे तो उन्हें इटालियन में अनुवाद करवाकर भेज सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ जुलूस निकाला। इस दौरान ममता ने शपथ ली कि वो किसी भी सूरत में नागरिकता कानून और एनआरसी का समर्थन नहीं करेंगी। इस दौरान ममता बनर्जी ने नागरिकता कानून पर पीएम मोदी के पाकिस्तान वाले बयान पर जवाब दिया और पूछा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान से देश की तुलना क्यों करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्र कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने नागरिकता कानून को जबरन लोगों पर नहीं थोपने की गुजारिश की है। वहीं CAA के मौजूदा स्वरूप के चलते पंजाब जैसे सरहदी राज्यों में घुसपैठ बढ़ने की आशंका जाहिर की है। नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोध में दिसंबर महीने में दिल्ली के सीमापुर में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी को लेकर दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के SIT ने जांच के दौरान पाया है कि 20 दिसंबर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद भड़के दंगे में उपद्रवियों की भीड़ में 15 से ज्यादा बांग्लादेशी भी शामिल थे, जो गैर कानून तरीके से सीमापुर इलाके में रह रहे थे, जिनकी पहचान कर ली गई है। जल्दी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाएगी। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उद्धव कैबिनेट में मंत्री आदित्य ठाकरे नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के विरोध में आज मुंबई में होने वाले प्रदर्शन में मंच साझा करेंगे, जिसमें छात्र नेता उमर खालिद, लेखक और कवि जावेद अख्तर, शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार और दूसरे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारत का दौरा रद्द कर दिया है। वे 14 से 16 जनवरी तक भारत दौरे पर आने वाले थे। पीएम मोदी ने मॉरिस से फोन पर बात की और जंगल में आग लगने की घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सुविधा अनुसार वक्त निकालकर भारत दौरे पर आएंगे। कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने साइंस कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में युवा वैज्ञानिकों के लिए मेरा सिद्धांत है, नवोन्मेष, पेटेंट, निर्माण और समृद्धि, ये चार कदम देश को तेजी से विकास की तरफ ले जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों के लिए और लोगों द्वारा इनोवेशन नए भारत की दिशा है। पीएम मोदी आज भी अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आज कई मुद्दों पर बैठक करेंगे। सुबह 9:30 बजे मीटिंग शुरू होगी, जो कि देर शाम तक जारी रहेगी, जिसमें आज 4 से 5 मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन होगा। पिछले महीने की 21 तारीख को भी पीएम मोदी ने मंत्री परिषद की ऐसी ही बैठक की थी। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते भी इन बैठकों का सिलसिला जारी रह सकता है। वीर सावरकर और नाथूराम गोडसे के रिश्ते पर कांग्रेस सेवा दल की किताब में अपमानजनक टिप्पणी पर विवाद बढ़ गया है। वीर सावरकर के परपोत्र रंजीत सावरकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि रंजीत सावरकर से उद्धव ठाकरे ने मुलाकात नहीं की है, लेकिन संजय राउत ने सावरकर पर टिप्पणी करने वालों को दिमाग का इलाज करवाने की सलाह जरूर दी है।
भोपाल में चल रहे कांग्रेस सेवा दल के कैंप में वीर सावरकर विवाद साहित्य बांटे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस से सवाल किया है कि वह कब तक सावरकर के बलिदानों का अपमान करती रहेगी। कांग्रेस को महाराष्ट्र के लोगों और देश के देशभक्तों को इसका जवाब देना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत में बड़े फर्जीवाड़े की रिपोर्ट सामने आई है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के आईटी सेल ने इस फ्रॉड का खुलासा किया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की कार्रवाई में उत्तराखंड के 5 अस्पतालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आयुष्मान भारत के तहत अब तक 72 लाख से ज्यादा ट्रीटमेंट हो चुके हैं। एसएसपी गौतम नगर की गोपनीय रिपोर्ट की कॉपी वायरल हो गई है। एसएसपी वैभव कृष्णन की रिपोर्ट में 5 IPS अधिकारियों का नाम है, जिससे ट्रांसफर पोस्टिंग में मिली भगत की बात सामने आई है। रिपोर्ट लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। डीजीपी ओपी सिंह ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चप्पल पहनकर झारखंड की राजधानी रांची के पास रामगढ़ में गार्ड ऑफ ऑनर लेने पहुंचे। हेमंत सोरेन ने फेसबुक पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि इस तस्वीर को उनकी सादगी से जोड़ रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ही बता रहे हैं कि चप्पल पहनकर गार्ड ऑफ ऑनर लेकर उन्होंने परंपरा का पालन नहीं किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि पुलिस के जवान उनके इंतजार में बारिश में काफी पहले खड़े कर दिए गए, इसलिए वो जिस रूप में थे उसी रूप में मंच पर पहुंच गए। महाराष्ट्र में 4 साल में एक बार फिर किसान आत्महत्या के मामले में तेजी आ गई है। अक्टूबर में बेमौसम बारिश ने राज्य में करीब 70% खरीफ की फसल नष्ट कर दी है, जिसकी वजह से नवंबर महीने तक केवल मराठवाड़ा में ही 835 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। बीजेपी ने इसके लिए शिवसेना के आड़ियल रुख को जिम्मेदार ठहराया है। जेएनयू में छात्रों की मनमानी जारी है। हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए एडमिनर ब्लॉक के सेंटर फॉर इन्फॉर्मेशन सर्विस के ऑफिस में छात्रों ने ताला जड़ दिया। साथ ही करीब 40 छात्र धरने पर बैठ गए हैं। जेएनयू के वाईफाई को डाउन कर दिया गया है। 1 से 5 जनवरी तक छात्रों का नए सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। सर्वर रूम बंद होने की वजह से हजारों छात्र अपना पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं। रेलवे के कई खिलाड़ी जहां दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं छोटे स्तर के कुछ पहलवान खिलाड़ी रेलवे का नाम बदनाम भी कर रहे हैं। पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 3 जनवरी को हुई घटना यही तस्वीर बयां कर रही है। कोई आईडी कार्ड नहीं, कोई नेम प्लेट नहीं और कोई ड्रेस भी नहीं, लेकिन है रेलवे के टीटी, जिन पर ट्रेन में वसूली का आरोप लगा है। रेल यात्रियों ने इस टीटी को घेर रखा है। आरोप है कि इस टीटी ने 25 से ज्यादा यात्रियों से मारपीट कर जबरन उगाही की है। दिल्ली का कालिंदी कुंज रोड बंद होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जिसकी वजह से दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली डीएनडी फ्लाईओवर पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। शुक्रवार की दोपहर फ्लाईओवर पर करीब 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में धरने की वजह से पिछले दिनों दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कालिंदी कुंज रोड बंद किया हुआ है। नए साल पर शिरडी में पहुंचे लाखों भक्त। करीब 8,23,000 भक्तों ने नए साल पर साईं बाबा के दर्शन किए। यह आंकड़ा क्रिसमस से लेकर नए साल की 2 जनवरी तक का है। इस दौरान साईं भक्तों ने 9,54,00,000 का नकद दान दिया। साथ ही ऑनलाइन भी 73,29,000 रुपए मंदिर के खाते में आए। क्रेडिट डेबिट कार्ड से 1,38,00,000 से ज्यादा दान आया। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में तापमान बढ़ने की संभावना जताई है। ओडिशा में बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 6 से 7 जनवरी को बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्कीइंग कार्निवल की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड के पर्यटन विभाग और मुनाल संस्था के सहयोग से 3 दिन के स्नो स्कीइंग कार्निवल का आयोजन किया गया है। इस मौके पर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से आए पर्यटकों ने स्कीइंग का लुत्फ उठाया। भारी बर्फबारी के बीच स्कीइंग कर पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में स्कीइंग रिजॉर्ट ओली में जबरदस्त बर्फबारी हुई। पर्यटक बर्फबारी देख झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। साथ ही लोगों ने बर्फ में स्कीइंग का भी मजा लिया। 2 दिन से पर्यटन बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। बर्फबारी होने के बाद पर्यटकों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। दिल्ली को पूरी तरह से ऑटोमेटेड टावर पार्किंग मिल गई है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की 17 मंजिलों की ये पार्किंग दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में बनाई गई है, जहां एक बटन दबाते ही आपकी गाड़ी चंद सेकंड में बहुमंजिला पार्किंग में पार्क हो जाएगी। ये इतना आसान है कि आप खुद भी बिना किसी की मदद के अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयास के तहत लाजपत नगर इलाके में लगे पहले स्मोक टावर का सांसद गौतम गंभीर ने उद्घाटन किया। इस टावर ने 750 मीटर के दायरे में हवा को साफ करना शुरू कर दिया है। ये टावर लाजपत नगर ट्रेड्स एसोसिएशन और गौतम गंभीर फाउंडेशन के साझा प्रयास से लगा गया है। दिल्ली NCR में पहली बार हैप्पी फ्रीज लगा है, जहां से गरीब और जरूरतमंद 24 घंटे कभी भी खाना खा सकते हैं। ये हैप्पी फ्रीज दिल्ली के राजौरी गार्डन में लगाया गया है।
लोग घर का बचा हुआ बढ़िया खाना लाकर इस फ्रिज में रख देते हैं, जिसे कोई भी जरूरतमंद खा सकता है। ये फ्रिज राजौरी गार्डन के MIG रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने गेट पर लगवाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर चीज के लिए सरकार का मुंह ताकना सही नहीं है, जनता को भी अपना काम करना चाहिए। मुंबई में कैंसर पीड़ित बच्चों को नए साल में जलेश क्रूज शिप की सैर का मौका मिला। 2 जनवरी 2020 को बच्चों ने आलीशान लग्जरी जलेश क्रूज का मजा लिया। खास बात यह है कि इन बच्चों ने अपने जीवन में कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उन्हें कभी दुनिया के बेहतरीन क्रूज में से एक जलेश पर चढ़ने का मौका मिलेगा। जलेश भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन क्रूज है। इंटरनेट पर एडिशन को लेकर कैस्पर स्काई की दिलचस्प रिसर्च आई है। इसके मुताबिक दुनिया के आधे पेरेंट्स इंटरनेट पर ऑनलाइन सर्फिंग और दूसरी एक्टिविटीज के लिए अपने बच्चे पर तो रोक लगाने की कोशिश करते हैं, मगर 70% पेरेंट्स खुद अपने इंटरनेट एक्टिविटीज पर कंट्रोल नहीं रख पाते। बच्चों से मोबाइल लेकर वो खुद ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप देखने लगते हैं। ज्यादातर अभिभावक मानते हैं कि इंटरनेट घर के आपसी रिश्तों को बिगाड़ रहा है। मोबाइल एडिशन बच्चों को डिस्ट्रैक्शन यानी लैक ऑफ कंसंट्रेशन के खतरनाक स्तर तक पहुँचा देती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शिक्षा प्रणाली में अध्यात्म गुरु की शिक्षा की योजना बनाई है। इसमें छात्रों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। समाज में मूल्य आधारित शिक्षा व्यवस्था के लिए चंद्रशेखर राव ने प्रतिबद्धता जताई है। नए पाठ्यक्रम के लिए पुलिस से भी सलाह ली जा रही है। समिति में पूर्व DIG को भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के सागर में शुक्रवार की रात एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे में 2 पायलट की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सागर से 14 किलोमीटर दूर धाना हवाई पट्टी के पास यह हादसा हुआ। आशंका है कि घने कोहरे की वजह से पायलट रनवे का अंदाजा नहीं लगा पाया और विमान गलत जगह पर लैंड हो गया। हरिद्वार के राजा जी टाइगर रिजर्व में गजराज के गुस्से की तस्वीरें सामने आई हैं। टाइगर रिजर्व के चीला रेंज में घूम रहे पर्यटकों की गाड़ी के पीछे एक हाथी ने दौड़ लगा दी। गनीमत रही कि हाथी कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे दौड़ा और उसके बाद जंगल में लौट गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी के ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से सैलानी हाथी के हमले से बच गए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नुहाटी इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 5 लोगों की मौत हो गई। पटाखा फैक्ट्री के अंदर शुक्रवार को दोपहर बाद 3:30 बजे ये धमाका हुआ। उन्होंने बताया कि इस हादसे में 4 कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सहारनपुर में एक पिता पुत्र जल्दबाजी के चलते हादसे का शिकार होते होते बच गए। RPF के जवानों ने दोनों को बचा लिया। दरअसल व्यक्ति अपने बेटे के साथ ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकने से पहले ही उसमें चढ़ने की कोशिश करने लगा। इस बीच पिता तो ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन बेटे का पैर फिसल गया। उसी वक्त RPF का जवान फरिश्ता बनकर आ गया। गोरखपुर में भी जल्द मेट्रो का सपना साकार होगा। CM योगी ने लखनऊ में गोरखपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट के कामों की समीक्षा की। गोरखपुर में मेट्रो को लेकर प्रेजेंटेशन देखते हुए CM योगी ने 2 बड़े सुझाव भी दिए। गोरखपुर में मेट्रो स्टेशन कहां कहां बनेंगे, इसके दोनों रूट कहां कहां तक होंगे, इसका नक्शा भी सामने आ गया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के कनमुंडी गांव में 50 बंदरों की मौत हो गई है। पहली नजर में माना जा रहा है कि इन्हें जहर दिया गया है। माना जा रहा है कि एक किसान के टमाटर की फसल को कुछ जानवर आकर खा जाते थे। उन्हें मारने के लिए किसान ने खेत में दवा डाल दी थी, जिसे बंदरों ने खा लिया। किसान ने डर कर कई बंदरों को जमीन में दफना दिया। वन विभाग मामले की जाँच कर रही है। मध्य प्रदेश में रायसेन के सांची बौद्ध विश्वविद्यालय के स्टूडेंट श्वेता नेमा का नाम गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग से PhD कर रही श्वेता ने लगातार 1 घंटे 10 मिनट तक पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। राजस्थान के जोधपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के अलग अलग संस्थानों ने हिस्सा लिया था। उज्जैन में नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष में हुए सेमिनार में BJP के नेता सोते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम में BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे हिस्सा लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान सांसद, विधायक और पदाधिकारी मंच पर ही सोते हुए नजर आए। उत्तराखंड के चमोली में ऑपरेशन स्माइल के तहत पुलिस ने एक बुजुर्ग को उसके परिवार से मिला दिया। बताया जा रहा है कि गोपेश्वर में एक बुजुर्ग पिछले कई सालों से वृद्धाश्रम में रह रहा था। पुलिस को जब इस बारे में जानकारी मिली तो पुलिस ने बुजुर्ग के घर वालों का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। अब बुजुर्ग परिवार से मिलकर खुश है। UP पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के दौरान अयोध्या में 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 2 युवक दूसरे उम्मीदवारों की जगह दौड़ रहे थे। दोनों गिरफ्तार आरोपी गोरखपुर के रहने वाले बताए। UP STF ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के 2 लोगों को बरेली से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 40 लाख की अफीम बरामद की गई है। दोनों तस्कर झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाके से अफीम लाकर बरेली में सप्लाई किया करते थे। UP के मुजफ्फरनगर में टोल प्लाजा पर दबंगों ने हंगामा किया।
पैसे मांगने पर रोहाना टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की पिटाई भी की गई, साथ ही टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ भी की गई। यूपी के मऊ में रेल की पटरी काटने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से कैश कटर भी बरामद किया गया है। आरोपी के मुताबिक उसके प्रेमिका किसी दूसरे लड़के के साथ फरार हो गई थी, इसी बात से गुस्से में आकर उसने रेल की पटरी काट दी। दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया के जंगल में सितंबर 2019 से लगी आग में कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने ट्वीट किया है कि सीजन की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में 1.2 एकड़ के जंगल जल गए, अब जलवायु परिवर्तन पर एक्शन लेना जरूरी हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी हवाई हमला करने और इराक के सबसे ताकतवर कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराने को सही ठहराया है। वहीं ईरान में लोगों ने अमेरिका की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। ईरान ने भी अमेरिका से बदला लेने की बात कही है। अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने से ईरान के लोग और मीडिया तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा, जिसका नतीजा कुछ और हमलों के रूप में दिख सकता है। सोशल वीडियो ऐप टिकटॉक दुनिया भर में ऐप स्टोर के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर 150 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टिकटॉक को डाउनलोड करने वालों की सबसे ज्यादा संख्या भारत में है। फिल्म एक्ट्रेस सारा अली खान इन दिनों मालदीव में अपनी माँ अमृता सिंह के साथ छुट्टियां मना रही हैं। सारा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सारा अपनी माँ अमृता के साथ वाटर स्कूटर पर सवारी करती हुई दिखाई दे रही हैं। वाटर स्कूटर पर दोनों लाइफ जैकेट पहने नजर आ रही हैं। दीपिका पादुकोण अपने आने वाली फिल्म छपाक के टाइटल ट्रैक को सुनकर भावुक हो गई और रोने लगी। ये दूसरी बार है जब दीपिका पादुकोण छपाक के इवेंट पर इमोशनल हुई हैं। इससे पहले भी ट्रेलर लॉन्च के मौके पर दीपिका पादुकोण भावुक हो गई थी। फिल्म छपाक एसिड अटैक पीड़ित की कहानी है,